देखिए एक एग्जांपल है एक्सटेंडेड वीट स्टोन का, ये तो क्लियर हो रहा है आपको, 3, 6, 9, 6, 12, 18 है, तो आप देख लीजिए इसमें, वो पहले तो कंडीशन देखें। हाँ बिल्कुल राधिका, 7 क्यों आ रहा है, 4, 12 है, ध्यान दो, 4, 12 है और 2, 6 है, 8, 8 है, तो 7 एम्पियर क्यों दे रखा है इसमें, चेक करो राधिका एक बार दूसरा। हाँ सरब जी सही है आपका, तो ये 3, 6, 9 और 4, 5 कैसे हो गया, 4, 5 हट जाएंगे बेटा, आप देख लो यहाँ पे, यहाँ देख लो आप 1/3 आ रहा है, ठीक है, और ये भी आपका 1/3 है, और फिर ये भी देख लो 6/9 कितना होता है, 2/3, ठीक है, और ये कितना आ रहा है आपका 12 और 18, ये भी आपका आ रहा है कितना, 2/3 आ रहा है, तो R1/R2 इक्वल टू दिस रेशियो, ये सब 1/2 आ रहे हैं, ठीक है, R1/R2 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है, ये गड़बड़ लिख दिया क्या मैंने कहीं, 6/9 1/2 1/2, हाँ टू बाई थ्री आ रहा है, इनका रेशियो 1/2 1/2 आ रहा है, ठीक है, हाँ इनका 2/3 2/3 आ रहा है, तो ये बिल्कुल वही बात हो रही है, इसलिए आप 4 एंड 5 कैन बी रिमूव, ठीक है, 4 एंड 5 कैन बी रिमूव, तो आपका जो इक्विलेंट है वो दिख जाएगा आपको, सीधा सीरीज में हो जाएंगे। हाँ क्या कह रहे हो आप, इसी तक कुछ कह रहे हो, हाँ अभी डालो आ रहा हूँ, जाओ कैन बी रिमूव, 4 एंड 5 कैन बी रिमूव, ठीक है, तो आप ऊपर तीनों सीरीज में है, ये तीनों सीरीज में है, तो आप सीरीज कॉम्बिनेशन से निकाल सकते हैं, फिर बहुत इजी है वो, कितना बन जाएगा, ऊपर बन जा रहा है 18 बन जा रहा है शायद, और नीचे कितना बन जा रहा है, 36 बन जा रहा है, ठीक है, तो आर ए बी, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इसका, आप 18 36 कितना कर दोगे, 18 × 36 / 54, ये 3 कट जाएगा, 1/2 12 ओम आ जाएगा इसका, ठीक है, इसमें देखिए इसमें क्या ये रेशियो बराबर हो रहा है क्या, 1/3 1/3 1/3, इसमें तो सारा बराबर आ जाता है, इसमें ऐसे अलग अलग भी आ सकता है, ठीक है ना, इसमें देखो 1/3 1/3 1/3, तो इसलिए आपका क्या बन जाएगा, ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज बन जाएगा, ठीक है ना, इसलिए आपका क्या बन जाएगा, ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज बन जाएगा, तो आप बोथ रेजिस्टेंसेज ऑफ 8 ओम कैन बी रिमूव, क्या बोल देंगे यहां से, बोथ 8 ओम कैन बी रिमूव्ड जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सटेंडेड बैलेंस वीट स्टोन ब्रिज, तो आपके 4, 12, 2, 6, 4, 12, ठीक है, इन सब से आप इक्विवेलेंट निकाल लो, कितना आ जाएगा, ऊपर कितना बन गया 16, बीच में कितना आ गया 8, और नीचे कितना आ जाएगा, फिर से 16 आ जाएगा, ठीक है, तो 16, 8, 16 आ गए, पैरेलल में आ गए, तो इन सब का इक्विवेलेंट निकालोगे तो 4 आ जाना चाहिए, ठीक है, तो आई कितना आएगा, 28 वोल्ट डिवाइडेड बाई, हाँ इशिता बिल्कुल, 28 वोल्ट डिवाइडेड बाई 4 कितना आ गया, 7 एम्पियर करंट आ गया, ठीक है, तो इस तरह से एक्सटेंडेड भी आप अप्लाई कर सकते हैं।